फ्रेश टॉपिक है, डिसएडवांटेजेस किसके किसके बच्चा, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, कंपनी कंपनी के कैरेक्टर फिक्स पढ़ लिए, कंपनी का कंपैरिजन हमने कर लिया, अब फाइनली हम पढ़ने वाले हैं कि भैया कंपनी कॉर्पोरेट के नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है बच्चा, फॉर्मेलिटी। अब जितने सारे लॉ पढ़ते हैं तो सारे लॉ किसको कंप्लाइंट करने हैं बच्चा, कंपनी को, जब कंपनी को इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी है दैट मीन्स नुकसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज है। क्या पार्टनरशिप में इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है क्या, नहीं, सबसे कम फॉर्मेलिटीज सोल प्रोप्राइटर, थोड़ी सी ज्यादा किसमें पार्टनरशिप, और ज्यादा किसमें एलएलसी, और सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटीज किसमें बच्चा, कंपनी। अब कंपनी के भी मैंने आपको टाइप बताया, एक होती है पब्लिक कंपनी होती है प्राइवेट, और एक लिस्टेड भी होती है जो कि पब्लिक कंपनी होती है। सबसे कम फॉर्मेलिटीज किसमें होंगी, प्राइवेट कंपनी में, थोड़ी सी ज्यादा पब्लिक में, बहुत ज्यादा पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, जो जितना बड़ा उससे ज्यादा फॉर्मेलिटीज। तो कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है भैया, फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज में मैंने आपको क्या क्या बताया, लॉ कंप्लाइंट करना है, आरओसी को आए दिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भेजना होता है, अब कंपनी लिस्टेड है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनको भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, सभी के पास भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। इन सारे डॉक्यूमेंटेशन में क्या लगता है बच्चे, ऐसा लगेगा, तो अगर फॉर्मेलिटीज है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सपेंसिव भी होगा। तो सीन ये है, कंपनी का सबसे पहला नुकसान क्या, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और उन फॉर्मेलिटीज में होने वाले एक्सपेंसिव खर्चे ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, मैंने अभी बोला डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, आए दिन जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए क्या है, डिस्क्लोजर है। कंपनी ने आज प्लान किया है कि वो बायबैक करेगी, कंपनी ने बायबैक कर दिया, ये बात डिस्क्लोज करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, सभी को बताओ, हर छोटी से बड़ी बात आपको क्या बतानी पड़ती है, सबके सामने रखनी पड़ती है, ताकि कंपनी के शोल्डर को सारी बातें पता चल जाए, जनता को ये बात पता चल जाए। तो इन शॉर्ट वो जो फॉर्मेलिटीज है, इन फॉर्मेलिटीज में आप कर क्या रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो चीजों को, तो डिस्क्लोज करना, हर चीज को डिस्क्लोज करना दिक्कत होगी, पार्टनरशिप हमको क्या कुछ डिस्क्लोज करना पड़ रहा है क्या, कौन क्या बिजनेस करें हमको पता ही नहीं, दो पार्टनर आपस में करें, लेकिन एक पब्लिक कंपनी क्योंकि जनता का पैसा लगाया है तो जनता को डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। तो ये भी क्या है बच्चा, डिसएडवांटेजेस है कि हमारी सारी चीजें हमें सबके सामने रखनी पड़ती है, दिक्कत है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप, पैसा किसका लगता है, मैंने आपको साफ साफ बताया था, एक कंपनी में एक तरफ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और एक तरफ हमारे शेयर होल्डर होते हैं, पैसा किसका लगता है, शेयर होल्डर, ये हमारे ओनर होते हैं, जिसका पैसा लगा है क्या वो मैनेजमेंट में दिख रहा है क्या, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग है, हम किसी और को दे रहे हैं तो किसी और को भरोसा दिखाना पड़ रहा है, मे भी गलत कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, मेरा पैसा लगा है मैं ही बैठा हूँ, कोई दिक्कत हो तो मैं देखूंगा, लेकिन यहाँ पैसा किसी और का लगा है, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, पैसा मेरा लगा है, लेकिन वो पैसे कहाँ लगने चाहिए कौन डिसाइड कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो साफ साफ बोल रहे यहाँ पे ना कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फॉर्म भी होना चाहिए, ओनरशिप किसी और के पास है, कंट्रोल किसके पास है बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिगाड़ने में आ गया तो बिगाड़ सकता है, रिस्क है ना बच्चा, आप कंपनी के शेयर खरीदो, रिस्क है, आप किससे भरोसा दिखा रहे हो, किसी और से, कंपनी में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, सही कर दिया तो आपका गुड लक था, गलत कर दिया आपका बैड लक था। नहीं, क्या लिखा है, ग्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या बात होगी, ग्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी बस पैसा ही नहीं कमा सकती, जितनी बड़ी कंपनी होती है, जितनी बड़ी कंपनी होती है उस पर प्रेशर आ जाता है, किस चीज का प्रेशर आ जाता है बच्चा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी कंपनी गलत काम नहीं कर सकती। और सरकार ने कुछ यूनिक रेगुलेशन बनाए, जो कंपनी बहुत बड़ी होगी उसकी एक लिमिट दे दी होंगी, उसका टर्न ओवर, उसका पेडअप, उसका प्रॉफिट, क्योंकि उसकी एक लिमिट देती है, उस लिमिट को क्रॉस करने के मतलब वो कंपनी बड़ी है, उससे सोशल प्रेशर आ जाएगा, सोशल प्रेशर क्या जाएगा, आपको समाज के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, आपके अपने प्रॉफिट का, आपको अपने प्रॉफिट का कुछ एक परसेंट, 2% होता है, 2% चार्ज करना पड़ेगा बच्चा, समाज में सोसाइटी में उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो भैया एक पार्टनरशिप फर्म जो भी पैसा कमाता है, जो भी प्रॉफिट कमाता है, क्या करता है, अपने घर लेकर जाता है इसका पैसा, लेकिन कंपनी को लेकर क्या बोल दिया, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, सोशली भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिसमें टाटा की बात करूँ, टाटा तो ओवर करता है, लॉ के अकॉर्डिंग 2% भी करते हैं, उसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो डोनेशन का काम नहीं कर रही है, लेकिन उनको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉ ने बोल रहा है। तो कंपनी होने के नाते क्या करना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, टैक्स भी ज्यादा आता है, 30% तो टैक्स देना ही पड़ेगा, सोचो 30% टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्या लिखा है,
अच्छा उसमें कंप्लाइंसेस कम है, उसमें कंप्लाइंसेस कम है तो जो शटर बंद करेगा बंद हो जाएगा, लेकिन ये कंपनी ऐसा हो सकती है क्या? नहीं, बहुत सारे लॉ फॉलो कर कर आप क्या करोगे फाइंडर, तो ये सारे के सारे क्या बच्चा नुकसान। नुकसान सच में बताऊँ तो क्या है, ज्यादा कंप्लाइंसेस, फाइंडिंग अप भी क्या है कंप्लाइंसेस, टैक्स भी क्या है कंप्लाइंसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है कंप्लाइंसेस, क्योंकि लॉ ने बोला है ना पैसा लगाओ, लॉ बोल रहा है, लॉ बोल रहा है मतलब लॉ फॉलो कर रहे हो। सेपरेशन देन क्या लिखा है डिस्क्लोजर, इन शॉर्ट सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा है और कंप्लाइंसेस होने वाले खर्चे, ये सारी चीजें उन्होंने डिटेल में बता दी। एक्सपेंस इनकॉर्पोरेशन फ्लोटेशन, सबसे पहला खर्चा क्या बताया, किसमें खर्चा होता है इनकॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटर बनने में खर्चा नहीं है, पार्टनरशिप में थोड़ा खर्चा। अगर आप एक सीएस हो, आपके पास एक क्लाइंट आता और बोलता है कंपनी बना दो, तो लाख फीस लोगे हमारी कंपनी बनाने की, कितनी फीस देगा भैया, 1 लाख के लिए मुझे पूरा काम में करके दे देंगे, तो भैया कंपनी बनाने का आपने क्या कर लिया 1 लाख फीस दे ली, तो एक्सपेंस किसमें हो रहा है इनकॉर्पोरेशन, किसमें हो रहा है बच्चा फ्लोटेशन और बाकी के जितने भी काम, ठीक है चलिए कंटिन्यू। तो पहला समझ में आ गया, नेक्स्ट क्या बोलता है कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, समझ में आया बहुत सारे कंप्लाइंस डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है अपने बारे में। फिर क्या बोला सेपरेशन कंट्रोल फ्रॉम दी ओनरशिप, सेम बात है, मेंबर कंपनी के ओनर होते लेकिन मैनेजमेंट वो देख नहीं रहे होते। नेक्स्ट क्या लिखा है ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर टैक्स बर्डन और डिटेल वाइंडिंग प्रोसीजर, ठीक है नुकसान। चलिए सारे नुकसान तो समझ में आगे आगे स्टार्ट करेंगे, किसकी जर्नी पड़ेगी बच्चा इंडियन कंपनी, पूरा का पूरा पाथ बता दो, ठीक अब पूरा नया पुराना समझेंगे। सबसे पहला हेडिंग देखो क्या लिखा है कंपनी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखे या फिर मैं बोलूँ सिंपल भाषा में पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखे। चलिए जैसे कि पूरी की पूरी हमारी क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट समझते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठा है, कौन सी सरकार है बीजेपी है, अभी स्टेट गवर्नमेंट में एमपी में कौन सी सरकार है बीजेपी, दोनों लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग सरकार होती है, तो कोइंसिडेंस है कि सेंट्रल स्टेट हमारा सेम है लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंटली होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बैठता है बच्चा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम संभालता है, लेकिन मुझे ये बताओ ये पीएम जो है पूरा का पूरा देश अकेले संभाल सकता है क्या, नहीं, इन्होंने अपने छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनाए, उन्होंने कहा भैया मुझे पूरी की पूरी सरकार जो है इनके हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, एक डिपार्टमेंट क्या बनाया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये क्या लिखा है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर है ये सारे मिनिस्टर्स में क्या बच्चा प्राइम है सबसे ऊपर है, उसके नीचे छोटे छोटे मिनिस्टर्स, इन्होंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठने वाले को क्या बोलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठने वाले को क्या बोलेंगे डिफेंस मिनिस्टर, इन सारे मिनिस्टर्स में से मिनिस्टर्स लोअर के हैं सबसे ऊपर कौन हो जाता है प्राइम, वो लीड करने वाला, उसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में हम क्या बोलेंगे कॉर्पोरेट अफेयर का मिनिस्टर, कौन है बच्चा कॉर्पोरेट अफेयर का मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है निर्मला सीतारमन, तो निर्मला सीतारमन जो मिनिस्टर है वो दो डिपार्टमेंट को संभालती है फाइनेंस भी संभालती है और बच्चा कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है चलिए। तो हमारा फोकस है कि भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये वन ऑफ देम क्या बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, जो अभी तो कौन देख रहा है निर्मला सीतारमन, लेकिन ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं, इन मिनिस्टर्स के सबसे ऊपर कौन होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है चलिए। इसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जिसको शॉर्टकट में एनसीए बोलेंगे, इसके नीचे जो बैठता है उसको हम बोलेंगे रीजनल डायरेक्टर, पूरी इंडिया में पूरा इंडिया में जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर है वो कौन है निर्मला सीतारमन, मोदी जी ने अपना काम किसको ट्रांसफर कर दिया निर्मला सीतारमन को, अब निर्मला सीतारमन ने बोला पूरी इंडिया को हैंडल करना है तो मैं भी इसमें स्टेट वाइज क्या बना देती हूँ अलग 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 क्या बना देती हूँ रीजनल डायरेक्टर, रीजनल क्या होता है बच्चा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट में तो स्टेट नॉर्थ में, तो उसमें भी उन्होंने क्या बोल दिया स्टेट को डिवाइड कर दिया, किसमें डिवाइड कर दिया अलग अलग रीजन में, रीजन बोला एरिया कवर, तो उसमें बैठने वाला जो बंदा होगा उसे क्या बोलेंगे रीजनल डायरेक्टर, इज दैट क्लियर। चलो इन्होंने कहा अब स्टेट में हर स्टेट में क्या हो जाएगा आरओसी, मतलब कि आप किससे डील करते हो सबसे पहले बीइंग अ सीएस आप डील करोगे आरओसी, मतलब ये भी एक सरकार का डिपार्टमेंट है आरओसी से डील करोगे रेस्ट ऑफ कंपनी, क्योंकि ये स्टेट, अगर आपको एमपी में कोई कंपनी बनानी है तो वर्क फ्रॉम होम कर लो घर बैठे बैठे काम करो, या फिर अपना अपने ऑफिस खुद होता है इंडिया कहने के नाते भी आप काम कर सकते हो। मुंबई का एक काम आ गया, मुंबई के एक क्लाइंट है उसने बोला मुझे कंपनी बनानी है, तो आपका क्या एमपी के आरओसी से डील करना है, नहीं आपको किसके आरओसी महाराष्ट्र से, गुजरात का कोई क्लाइंट आ गया तो आप किसके आरओसी से डील करोगे गुजरात के आरओसी से,
लेकिन अब वहां जाना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। एमसीए की वेबसाइट थी, मैंने आपको बताया था, एक वेबसाइट होती है एमसीए की वेबसाइट, तो कौन सा एमसीए का? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये जो वेबसाइट है, ठीक है, आरओसी ऑफिस का क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो घर बैठे आप ऑनलाइन गुजरात के आरओसी से डील कर सकते हो, उसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे। ठीक, अब आपने आरओसी से डील किया, आरओसी से ऊपर कौन है बच्चा? आरओसी किसको करेगा पूरी रिपोर्टिंग? रीजनल डायरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल साउथ में, साउथ में आप केरल, केरल का कोई क्लाइंट है तो आप केरल के आरओसी से डील करेंगे। ठीक, अब वहां से आपने डील किया, पूरे साउथ का एक रीजनल डायरेक्टर बैठेगा, वो से ऊपर करेगा। रीजनल डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेगा बच्चा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब किसको डील, किसको देगा? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण किसको रिपोर्ट करेंगे बच्चा? मोदी जी को। तो ये पूरा हमारी हिरारकी है, बात समझ आ रही? सबसे ऊपर क्या है? प्राइम मिनिस्टर। उसके नीचे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके नीचे कौन है? रीजनल डायरेक्टर। और सबसे नीचे कौन है? आरओसी। आरओसी से डील करने वाले आप ही लेते। ठीक, अब मैंने आपको रीजन बताए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ये चार रीजन तो हम जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया तीन और रीजन, रीजनल डायरेक्टर अभी बताया मैंने, रीजनल डायरेक्टर बताया, एक ईस्ट रीजन है, कहाँ ईस्ट रीजन है? कोलकाता में। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर एक बैठता होगा। साउथ में क्या है बच्चा? चेन्नई। नॉर्थ में क्या है? न्यू दिल्ली। वेस्ट में क्या है? मुंबई। लेकिन तीन और उन्होंने बना दिए हैं, क्या बनाए हैं? नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में कहाँ है बच्चा? अहमदाबाद। साउथ ईस्ट रीजन हैदराबाद। नॉर्थ ईस्टर्न क्या लिखा है बच्चा? शिलोंग। तो ये डेटा याद करना है, इन डेटा से ना कुछ याद आ रहा है, चैप्टर थ्री कुछ याद आ रहा है, इसमें क्या पढ़ाते हैं? चैप्टर ऑफिसर से, सबसे नीचे चैप्टर ऑफिसर से, उसके ठीक ऊपर क्या था? रीजनल, रीजनल से है ना, फिर उसके ऊपर क्या था? हेड ऑफिस का। ठीक है, एक ही बात है। तो वहां पर कितने रीजन थे? चार। यहाँ कितने रीजन थे? वहां रीजन किसके थे? आईसीएसआई का पूरा मैनेजमेंट संभालने वाले रीजन थे। और ये क्या है बच्चा? आपके पूरे के पूरे किसको संभालने वाले? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स, सबसे पहले तो हमें कपड़ा प्राइम मिनिस्टर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, उसके नीचे जो रीजनल डायरेक्टर, इन डायरेक्टर की बात हो रही। तो अलग अलग रीजन में हमें तीन चार स्टेट का क्लब कर दिया और इनको काम दे दिया, स्टेट का यहाँ काम होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ऑफिस कहाँ है ये डेटा याद होना चाहिए। अब डेटा ज्यादा होगा तो ये कंफ्यूजन भी तो बढ़ेगी, तो यही तो आपको रिविजन करना बढ़ेंगे आगे। ईस्ट स्टेट, हर स्टेट में कारोसी है, हर स्टेट में कारोसी, मैंने बताया जनरल रूल। अब ब्लॉक में ना जब हम चीजें पढ़ते तो उसमें दो कॉन्सेप्ट होते, एक होता है जनरल रूल और एक होता है उसका एक्सेप्शन। जो भी जनरल रूल बता रही हूँ एक्सेप्शन वो एप्लीकेबल नहीं है। जनरल रूल मैंने क्या बताया? हर स्टेट में एक आरओसी है, हर स्टेट में एक आरओसी। अगर मैं बोल रही हूँ एक्सेप्शन, मतलब हर स्टेट में एक आरओसी नहीं है, कुछ दो स्टेट है, कुछ दो स्टेट है जिसमें एक आरओसी का काम नहीं चल रहा, उसमें कितना आरओसी है? दो। ऑब्वियसली ज्यादा आरओसी है इसका मतलब क्या होगा? वहां पर काम ज्यादा होगा, कंपनी का काम ज्यादा होगा, वहां पे क्लाइंट बेस ज्यादा होगा। तो कौन सा? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में दो आरओसी ऑफिस है, एक आरओसी ऑफिस कहाँ है बच्चा? मुंबई आरओसी ऑफिस, और दूसरा क्या है? पुणे आरओसी। अब जैसे एमपी है, एमपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ऐसे महाराष्ट्र में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में उन्होंने ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट के केसेस क्या बोल दिया? कहाँ जाएंगे? मुंबई जाएंगे, और कुछ कुछ कहाँ जाएंगे? आरओसी। तो प्रॉपर नेम स्पेसिफाई कर रखा है। आपको ये देखना पड़ेगा आपका कौन सा क्लाइंट है, क्लाइंट आपका जो कंपनी है वो कहाँ बनाना चाहता है, कैसे पता चलेगा कहाँ बनाना चाहता है? एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, एक बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग का एड्रेस देना पड़ेगा। वो अगर कह रहा है कि नहीं मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग कहाँ है, तो वो पुणे में होगी, तो मेरा आरओसी ऑफिस कौन सा हो जाएगा? पुणे वाला। ठीक है, मुंबई में। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस देगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा आरओसी के अंडर में आ रहा है। Is that clear? ऐसे ही तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु में भी कितने आरओसी है? दो। पहले क्या लिखा है? चेन्नई, और दूसरा क्या लिखा है? कोयम्बटूर। तो आपको ये याद रखना है, हर स्टेट में आरओसी है, एमपी में एक ही है, हर स्टेट में एक ही है। ठीक है, जैसे कि एमपी में ग्वालियर है, लेकिन दो स्टेट पूरी इंडिया में ऐसे जिसमें एक नहीं है, कितने बच्चा? दो, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कहाँ का है? मुंबई और पुणे। तमिलनाडु में बताऊँ? चेन्नई और कोयम्बटूर। याद रहेगा, रैंडमली पूछूंगी। अब आ जाओ, पूरा का पूरा हम समझेंगे कंपनी की हिस्ट्री। अभी हमने बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया। कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट क्या लिखा है? 1844। देश कब आजाद हुआ था? 1947। ठीक है,
या देश आजाद हो गया था तब ये लॉ बना था, मतलब ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था इंडिया में। ईस्ट कंपनी सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सुना होगा, ये सब किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें इंडिया में लेकर आए थे, इंग्लैंड, ठीक है। कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट, सबसे पहला जो कानून बना था कंपनी लॉ को लेकर वो क्या बना था? 1844 बना था, इंग्लैंड में बना था। इंग्लैंड ने ये 1844 में बनाया और जॉन स्टॉक कंपनी 1950 में इंडिया में पहला बना। दैट मींस ये जो फर्स्ट वाला जो लेजिस्लेशन एक्ट 1844 है ये इंडिया में नहीं था, इंडिया में नहीं था, ये कहाँ था बच्चा? इंग्लैंड में। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, उन्होंने कहा भैया हमने तो अपने यहाँ पे कानून बना लिया है, चलो एक काम करते हैं, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ही बनाना है तो हम यहाँ पे भी एक लॉ बना देते हैं। तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, तो इंडिया का सबसे पहला एक्ट पूछा जाएगा, तो इंडिया का सबसे पहला एक्ट का नाम क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850। मतलब जब उन्होंने अपने देश में बनाया और उसके 6 साल बाद उन्होंने कहा बनाया? इंडिया में बनाया। तो फर्स्ट इंडियन कंपनीज एक्ट बोलेंगे तो ये नाम बताएंगे। बढ़ते हैं आगे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एक्ट परफेक्ट नहीं होता, कोई भी एक्ट परफेक्ट नहीं होता। ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो जो एक्ट होते हैं वो पुराने होने लगते हैं, हम उसमें क्या करते हैं? अमेंडमेंट लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, एक्ट को हम बदल देते हैं तो जैसा हमें सुटेबल लगे। तो इंडिया में जब सबसे पहला आया तो वो भी परफेक्ट नहीं था, वो भी परफेक्ट नहीं था। फिर चेंजेस लाए गए, चेंजेस क्या लेकर आए? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ दी कंपनी। आज जो कंपनी समझती हो वो कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। लिमिटेड ना, मैंने आपको तीन बताए, कंपनी लिमिटेड बाय सेल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड बताए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर जब पुराना आया था तब किस टाइप की कंपनी बनी थी? अनलिमिटेड कंपनी बनी थी, मतलब लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं था, लिमिटेड नहीं था। फिर चेंजेस किए गए जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट, तब 1857 में चेंजेस किए गए। इन्होंने कहा चलो दो टाइप की कंपनी बनाते, लिमिटेड कंपनी भी और अनलिमिटेड। ऑब्वियसली लिमिटेड कंपनी मतलब क्या होता है? उसमें लाइबिलिटी क्या होगी? मेंबर्स की लिमिटेड होगी। और अनलिमिटेड में क्या होगी? लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। ये एक्ट भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला ओनली अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी किसके लिए था? बाकी सबके लिए था, लेकिन जो कंपनी कौन सी होती थी? बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं होती थी। लिमिटेड बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी नॉट कवर्ड, मतलब इन्होंने कहा भैया हम अनलिमिटेड की बात करें लेकिन इन कंपनी को छोड़ दें। आपको एक हिस्ट्री बता रही हूँ, उस हिस्ट्री में उन्होंने कहा फिर हमने चेंजेस करे, चेंजेस कब किए बच्चा? 1860 में इन्होंने कहा कि अनलिमिटेड और लिमिटेड दोनों टाइप की चीजें हम बनाएंगे, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं था। फाइनली जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या बना? 1866। नोटिस करो इंग्लैंड में कब बना था? 1844। इंडिया में कब बना? ठीक है, ये दो डेटा याद करना है। उसके बाद जो चेंजेस है 57, देन क्या लिखा है 60, देन क्या लिखा है 66। 66 में क्या हुआ? एक्ट कैंसिल कर दिया गया और नई चीजें आई, क्या लिखा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब ये सुनी सुनी चीजें लगी, ये बट हमारे थोड़ी नोन लगे। रेगुलेशन ऑफ कंपनी क्या लिखा है? वाइंड अप। ये भी एक्ट लेकिन परफेक्ट नहीं था। फाइनली 1913 में पास किया गया, फिर कंपनी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कंपनी ये सब बनाया गया। फिर 1936 में फाइनली कब आया? 1936 में। क्या ये सारे ईयर याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं, कुछ ईयर याद रखने पड़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने किस किस में फोर्स दिया है, प्रेशर किस किस में दिया है? 1844 में दिया, फिर उसके बाद कोई प्रेशर नहीं दिया, सीधा क्या है? 1956। बीच में जितने सारे ईयर्स आए हैं वो ईयर्स आए हैं, कुछ कुछ छोटा छोटा चेंज हुआ है, लेकिन इतने सारे ईयर याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जिसने याद कर लिया वेरी 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 गुड। ये ईयर इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही, बाकी अगर आपने याद कर लिया वो आपका ट्रेन, ठीक है। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट ईयर ये हैं, इन्हें तो याद करना। फिर फाइनली आज जो चल रहा है वो क्या है? 2013। तो चार जो ईयर्स हैं, ईयर्स का जो डेटा है ये तो कंपल्सरी याद करना है, बाकी सब अगर आप याद करते हैं तो ये ऑप्शन। चलिए 1956 के बारे में पढ़ते हैं। 1956 की बात करेंगे तो बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कब चल रहा था? 1944 में। उसके बाद हमारा देश आजाद होता है, और आजाद कब होता है? 1947 में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो पहला पहला एक्ट क्या था? कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ था। जो अभी तक चेंजेस आ रहे थे, जो एक्ट बना रहा था वो कौन बना रहा था? ब्रिटिशर्स बना रहे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया वो 1956, इसलिए ये इंपॉर्टेंट।
इसके बाद अभी मॉडर्नाइज, क्योंकि जमाना बदलता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू है ना सोशल चीजों को, सारी चीजों को फैक्टर को ध्यान रखते हुए बनाना था, क्योंकि 2013 में नया वाला बना जो अभी आप पढ़ते हैं। यहाँ जो बना था 1956 का, उसका डेटा दे रखा है। कोई भी लॉ जब भी बदला जाता है, जब भी न्यू बनता है, तो इसके लिए कमिटी बनती है। कमिटी वो नहीं है, कमिटी कमिटी मतलब ग्रुप। इस ग्रुप का काम क्या है कि एनालिसिस करो, डेटा एनालिसिस करो और पता लगाओ कि हमें जो मॉडर्नाइजेशन आ गया, इस मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या नया लॉ बनना चाहिए। ये कमिटी का नाम क्या था? एससी बाबा कमिटी। डेटा याद करना पड़ेगा, एससी बाबा कमिटी। ठीक, ये कमिटी कब बनी थी? 1952 में बनी थी। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 12 मेंबर्स थे। कमिटी ने फाइनल, सॉरी कमिटी बनी कब थी? 25 अक्टूबर 1950। और इस कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट करी। इस रिपोर्ट में ऑब्वियसली क्या बताया गया होगा कि लॉ कैसा होना चाहिए। 1952 के बाद फाइनली लॉ बनकर तैयार होता है, वो क्या है? 1952। कॉन्सेप्ट समझ में आया? वापस कमिटी कौन सी थी? एचसी बाबा कमिटी। ये कमिटी कब बनी थी? 25 अक्टूबर कब? 1950। याद रखना, हाँ याद रखना पड़ेगा। इसमें टोटल 12 मेंबर्स थे। 12 मेंबर्स की जो टीम थी, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी। इस रिपोर्ट तैयार में साफ साफ बताया कि हमारा रिकमेंडेशन क्या है, लॉ कैसा होना चाहिए। फाइनली वो लॉ बनकर तैयार होता 1950। ठीक, ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। रिपोर्ट सबमिट किया गया, प्रोसेस होता है। समझ लो हमारी कमिटी है, हमारी कमिटी ने रिकमेंड किया लॉ। आज हमने बोला कल मान जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। लोकसभा राज्यसभा पन्ने फेंकते रहते हैं, डॉक्यूमेंट फेंकते रहते हैं, वो लोग झगड़ा करते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। कितने साल लग गए बच्चा? 4 साल लग गए। और फाइनली कब बन के तैयार हुआ? 1956। बहुत टाइम लगते। जीएसटी का कानून पास करने में तो बच्चा 10-20 साल लग गए थे। जब पढ़ोगे तो उसमें और डेटा पता चलेगा, उनके बीच में पढ़ोगे। लॉ पास होने में आज आपको क्या दिखती है? बीजेपी दिखती है ना? बीजेपी ने जीएसटी का पास किया? नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से वो काम कर रही थी उस पर। लेकिन जब पिछली सरकार आ गई बीजेपी की, तब क्या हुआ? फाइनली एक्ट आता है, सबको लगता है बीजेपी ने बनाया, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। बहुत साल का प्रोसेस होता है, तो सेम जैसे उसमें 4 साल लगे, सारे लॉ को बनने में टाइम लगता है। जो जल्दी बन गए उनकी किस्मत। ठीक, चलिए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब क्या लिखा है? जे ईरानी रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखा, इससे पहले भी अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट बोली, एससी बाबा की एक रिपोर्ट थी, कमिटी थी। तो सेम 2013, कौन सा 2013 का एक्ट बना है ना, अभी उसके पीछे बड़ा हाथ किसका था? ये जे ईरानी। जे ईरानी, चलिए ये भी एक कमिटी थी। जे ईरानी भी क्या थी? एक कमिटी थी। कमिटी अंदर भी चेयरमैनशिप, ठीक है, जे ईरानी एक्चुअल में होता क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक कमिटी, इस कमिटी का एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन समझ लो तुमने मुझे बनाया, सिंह जी को, तो मेरी कमिटी का नाम चेयरमैन के नाम पर आ जाएगा। क्या होगा मेरी कमिटी का नाम? सिंह जी कमेटी। जैसे यहाँ पर एचसी बाबा कमेटी, मतलब कि ये सच है कमेटी का चेयरपर्सन, जे ईरानी की कमेटी, मतलब यहाँ पे चेयरपर्सन कौन था? जे ईरानी। तो डॉक्टर जे ईरानी वॉज दी फॉर्मर, क्या थे? सिस्को टाटा कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, इसके एमडी थे। एमडी बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर। इनसे बोला गया कि बताइए, वो कंपनी का ऑब्वियसली बताइए, जो कंपनी में काम कर रहा है उसको ज्यादा नॉलेज होगा कि कैसे कंपनी लॉ के नए रूल्स बनने चाहिए ताकि कंपनी इफेक्टिवली काम करे। तो ये कमिटी के हेड थे, चेयरपर्सन थे, इन्होंने रिकमेंडेशन किया। ये कमिटी कब बनाई गई? 2 दिसंबर का 2004 में। इन्होंने कंपनी लॉ को रीड्राफ्ट किया, इन्होंने नए नए एक्ट में चेंजेस रिकमेंड किए, जो फाइनली आज आप 2013 में एक्चुअली में देखते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अब उस जे ईरानी की कमिटी के दम पर हमारा नया एक्ट आता है 2013। तो क्या क्या डेटा याद रखना? सबसे पहला डेटा क्या था? अगेन क्या हुआ था? इंग्लैंड में बना था 1850 में। क्या हुआ था? इंडिया में पहला। तो बहुत सारे चेंजेस हुए, खुद से याद कर लेना। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956, लेकिन 1956 को लेकर एक कमिटी बनी थी। कमिटी कब बनी थी? 1950 में बनी थी। 1950 में कमिटी बनी, 1952 में रिपोर्ट बनाया, और फाइनली 1956 में लॉ बन गया। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद जे ईरानी फाइनली 2013 आया, लेकिन इसके लिए भी एक कमिटी बनी। कमिटी का नाम क्या था? जे ईरानी कमिटी। ये कमिटी कब बनी थी? 2004 में बनी थी। कमिटी कब बनी थी? 2004 में कमिटी बनी, 2004 में। और देखो रिपोर्ट कब सबमिट किया? 2005। और बनते बनते क्या हो गया? 2013 में। 2013 में जो बना, जो अभी चल रहा है,
आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो वो कौन सा पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट 2013, तो ये थी इसकी पूरी पूरी जर्नी, ये थी इसकी पूरी पूरी हिस्ट्री। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए अब दीदी ये तो समझ में आ गया, चलेंगे आगे। सेक्शन, हर एक्ट में सेक्शन होते हैं। आपको डिटेल में क्या पढ़ाया जाएगा, किसको सेक्शन? कंपनी लॉ। एग्जीक्यूटिव में पूरे के पूरे ऑलमोस्ट 70-80% पढ़ाया जाएगा, फिर फाइनल में आके बाकी बच्चे को भी पढ़ा देगा। लेकिन टोटल सेक्शन कितने हैं कंपनी एक्ट में? 470, याद रखना पड़ेगा। टोटल सेक्शन कितने हैं? 470। चैप्टर कितने हैं? 29। शेड्यूल कितने हैं? 7। ये होता क्या है थोड़ा अच्छे से बताइए दीदी। चलिए समझते हैं। सेक्शन तो मैंने आपको बताया जस्ट लाइक अ पेज, एक बुक है, एक बुक है, मैं कहूँगी पेज नंबर 13 में आऊँ उसमें ये लिखा है। तो ऐसे क्या होता है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 50 में आओ, 60 में आओ, 80 में आओ, ये तरीके सेक्शन नंबर क्या होते हैं, पेज नंबर की तरह होते हैं। लेकिन आप क्या देखते हो बुक में, फ्रंट में इंडेक्स देखते हो। अगर मैंने बोला पेज नंबर 30 में जाओ, कोई ना कोई चैप्टर होगा ना, कोई ना कोई क्या होगा चैप्टर। तो टोटल 470 सेक्शन है, इन पूरे 470 सेक्शन को कितने चैप्टर में डिवाइड किया है? 29 चैप्टर। ठीक है, शेड्यूल मतलब लिस्ट होती है, शेड्यूल मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी लिस्ट होती है। तो कितनी लिस्ट है? 7 शेड्यूल की। ठीक है, अब जैसे कि लिस्ट एग्जांपल दो, मैंने आपको बताया कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है मेमोरेंडम और आर्टिकल। इन शेड्यूल्स में आपने देखा होगा कंपनी के बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है। इन शेड्यूल्स में क्या बता के रखा है, मेमोरेंडम का फॉर्मेट बता के रखा है, आर्टिकल का फॉर्मेट बता के रखा है, या फिर कंपनी अकाउंट कैसे बनने चाहिए, बैलेंस शीट कैसे तैयार हो, इनका क्या बता के रखा है फॉर्मेट पर। उसके अलावा जो भी बाकी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेड्यूल में डाल रखी है जो प्रोविजन से थोड़ा सा अलग है। क्या ये 7 शेड्यूल समझ में आए? तो ऐसे 1-2-3 शेड्यूल मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा। ठीक है, अभी आपको क्या क्या याद रखना है, टोटल कितने सेक्शन है? 470। 470 में कितने चैप्टर में डिवाइड है? 29। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 7। चलिए, कंपनी बिल 2012, बिल जब बोलते हैं, अभी तो ऊपर क्या लिखा है कंपनी एक्ट 2013, अगर कहीं बिल लिखा है दैट मींस वो अभी क्या नहीं हुआ है, कंप्लीटली पास नहीं। मैंने जे जे ईरानी कमेटी बनाई, इस कमेटी ने एनालाइज किया कि कैसे बेटर अच्छे से कंपनी काम कर सकती, क्या लॉ बनना चाहिए, हमने रिकमेंड किया और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करी। ये रिपोर्ट फाइनली कहाँ तक जाती है? लोकसभा राज्यसभा तक जाती है। लेकिन जब तक ये लॉ नहीं बनता है तब तक इसे हम फॉर द टाइम भी क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, कंपनी बिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? कंपनी बिल। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी समझते हो, जीएसटी का बिल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, सिग्नेचर किसने कर दिया, हमारे प्रेसिडेंट ने, तब ये कंपनी बिल क्या बन जाएगा, कंपनी एक्ट। ठीक है, ये बिल का नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा, एक्ट। लॉ ही बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में से लॉ बोलते हैं, कंपनी का लॉ है, लेकिन ये एग्जैक्टली टर्म क्या होगा, कंपनी एक्ट। तो कंपनी बिल कब पास हुआ था? 2012 में। कहाँ हुआ था? लोकसभा में। एग्जैक्टली डेट दे दिया 18 दिसंबर को सबमिट किया गया। राज्यसभा में कब? 8 अगस्त 2013। पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा के लोग देखेंगे, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा। एफ एन मतलब हामी भर दी, किसने हामी भर दी, फिर प्रेसिडेंट ने 29 अगस्त 2013। तो 2013 में प्रेसिडेंट ने साइन किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा कंपनी एक्ट 2013। लेकिन काम तो बहुत टाइम से चल रहा था। जिस साल कौन साइन करता है? प्रेसिडेंट। उस साल हम मानते हैं कंपनी एक्ट बन गया है और वही नाम आखिर में ऐड किया जाता है ईयर के। ठीक है, ये 2013 में, क्योंकि 2013 एकदम लेटेस्ट है, इसलिए डेट सारी की सारी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोटिफाइड किया गया 30 अगस्त। प्रेसिडेंट ने साइन कब किया गया? 29। हमको तो पता नहीं कब साइन किया प्रेसिडेंट ने, समझ लो आज बैठे बैठे कोई एक एक्ट पास कर दिया। नोटिफिकेशन पब्लिकली मतलब जनता को कब बताया गया कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, ये कंपनी एक्ट पास हो गया। तो जनता को कब नोटिफाई किया गया? 30 अगस्त 2013। और फाइनली फाइनली सितंबर, सितंबर में क्या हुआ, सितंबर 1 सितंबर से बोल दिया जितनी भी कंपनी है उनको इस नए लॉ को पास, इस नए लॉ को भी ये पास हुआ है उसे फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि सारी सारी कंपनी को क्या फॉलो करनी थी, 1956 का, इन्होंने कहा जो भी नया लॉ बोलता है 1 सितंबर से सारी कंपनी को। वापस बिल, बिल 2012 में सबसे पहले लोकसभा से पास गया, उसके बाद कहाँ गया, राज्यसभा। फिर फाइनली साइन कब किया गया, डेट बताओ, प्रेसिडेंट ने 29, प्रेसिडेंट ने साइन किया 29 को,
30th को जनता को नोटिफाई किया गया, जनता को बताया गया 30th को। फिर जैसे ही खत्म होता है अगस्त आपका, 1 सितंबर को क्या बोल दिया, सारी कंपनी को अनाउंस कर दिया गया कि भाई अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने नया कंपनी एक्ट बनाया है उसे फॉलो करें, इसमें जो कुछ लिखा है आपको करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम दिया गया, उन्होंने 1 साल तक का सबको टाइम दे दिया कि भैया एक ही दिन में थोड़ा पूरे लॉ पास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया कि भाई 4 डायरेक्टर की जगह 5 डायरेक्टर होंगे, तो भैया 1 डायरेक्टर को ढूंढने में टाइम तो लगेगा, ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बनाने को टाइम तो लगेगा, कुछ है 1 साल का पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा, अलग अलग लॉ में अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, अप्रोक्स है 1 साल का लीजिए, तो भैया जल्दी कंपनियों को फॉलो करें, जिसने फॉलो नहीं किया होगा उसके साथ क्या होगा, पेनल्टी, ठीक है। ये हिस्ट्री अगर बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या है बच्चा, इससे भी पहले 1844 में क्या हुआ था, इंग्लैंड, वो तो याद रखना, अब सारा इंग्लैंड का 84 था, उसके बाद पूरी पूरी इंडिया का कॉन्सेप्ट था। 1850 में क्या हुआ था, इंडिया में बना था पहला, बिफोर के आफ्टर इंडिपेंडेंस, अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, उसमें लिखा होगा फर्स्ट फर्स्ट, बिफोर लिखा होगा तो 18, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या 1956, 1866 में अमेंडमेंट आए, 82 में आए, 1913 में आए, याद कर ले तो वेरी गुड, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है 1850, आ तो सकते हैं लेकिन 10% चांस आने के, 10% चांस आने के, है ना, याद कर लिया तो वेरी गुड, लेकिन डेटा बढ़ता जाएगा, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताती हूँ, याद कर लो तो अच्छा ही है। फिर क्या 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर क्या है 2013, यहाँ पे कुछ लिखा है अमेंडमेंट 15 17 19, अभी कौन सा ईयर चल रहा है कि अमेंडमेंट आते रहते हैं, यस अमेंडमेंट आते रहते हैं, अमेंडमेंट मतलब छोटा छोटा, आज कुछ नया लॉ बना देते 2013, नाम तो ये रहेगा कंपनीज एक्ट 2013 ही नाम रहेगा, इसमें बस ऐड कर देंगे, इसमें बस क्या करते जाएंगे ऐड, अब एक नया चाहिए अब एक नया चाहिए। तो जब भी आप दिन में सीरियस काम करोगे तो आपको यही चेक करना है कि जो भी अमेंडमेंट आया है आपको कंपनी से फॉलो करवाना, तो आए दिन अमेंडमेंट आते रहते हैं। पूरी हिस्ट्री समझ में आई, जर्नी समझ में आ गई, तो जो भी मैंने पढ़ाया तो छोटा छोटा मैंने मार्क कर दिया, एक बार वनडीट कर देना मैं आपको दे दूंगी, ठीक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है, कमिटी समझते हैं, एक ग्रुप बनाया जाता है जो क्या सजेस्ट करता है, रिकमेंड क्या करता है, क्या नया लॉ होना चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। आई थिंक जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे कोई ना कोई कमिटी ही क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है। तो कंपनी एक्ट में बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, इन्होंने इंपॉर्टेंट कमिटी के नाम बताए, सबसे पहले बाबा कमिटी, कुछ सुना सुना लग रहा है, वेरी गुड। चलो इन्होंने कहा चेयरमैनशिप एस सी बाबा के पास था, इन्होंने क्या किया 1930 छोटे छोटे थे, बीच बीच में छोटे छोटे थे वो बनाए, फिर उसी का रिकमेंडेशन आगे चलकर फाइनली होता है। फिर एक और क्या लिखा है, हाँ लेकिन ये गलत लिखे एच सी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कौन सी कमेटी, साक्षरी कमेटी। कमेटी का नाम कैसे डिसाइड होता है ये पता चला, चेयरमैन के नाम पर, ठीक। चलिए इन्होंने बोला चेयरमैनशिप जो भी था हमारा साक्षरी, ठीक है, ओवरकम, इन्होंने क्या किया, जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती थी, जो भी काम करने में दिक्कतें आती थी, उन्होंने इसका इससे रिलेटेड लॉ बनाया, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है 1978, क्या लिखा है सचार कमेटी, चेयरमैनशिप ऑब्वियसली करने करने पे गया, ठीक। इनका काम क्या था, जो स्ट्रक्चर था किसका 1956 का, इसको क्या किया बच्चा, सिंपल कॉम, जितने भी लॉ आते हैं वो काम को डिफिकल्ट करने के लिए नहीं आते, आपके काम को इजी करने के लिए आते हैं। फिर क्या लिखा है बच्चा, जनरेट कमिटी 1997 री राइट इन्होंने किया कंपनीज एक्ट और फैसिलिटी दी भैया हेल्दी ग्रोथ जैसे हमारे इंडियन कॉर्पोरेट। फिर 2000 में क्या लिखा है, इरादी कमिटी, इरादी कमिटी भी जस्टिस इरादी के नाम पे था, इसने क्या दिया बच्चा, वाइंडिंग अप की प्रोसेस। तो सबका जो मेन मेन जो काम था जिन्होंने किया उसको मैंने मार्क कर दिया, जैसे कि बाबा कमेटी ने क्या किया, पुराना जो 1913 था उसको पूरा बदल कर किसमें कन्वर्ट किया, 1956 की कमेटी थी ना वो, तो जो पुराना चल रहा था उसको रिवाइज करने का काम किया। शास्त्री कमेटी का क्या था, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को कम करना, इनका काम क्या था 1956 में जो भी स्ट्रक्चर जो भी डिफिकल्ट थे उनको सिंप्लीफाई करना, ये हेल्दी ग्रोथ देना चाहते थे इंडियन कंपनी को, और इन्होंने क्या किया, वाइंडिंग अप की प्रोसीड। इज दैट क्लियर, तो मेन काम याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए उसका, वैसे तो कमेटी के नाम से ही आपको हिंट हो जाएगा, अच्छी बात ये। नेक्स्ट और भी है, जोशी कमेटी है, नरेश हो गया, चलिए जोशी क्या बोलता है, ये बोलता है रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग बिल, बिल बोला मतलब अभी लॉ नहीं बना, एक्ट पास नहीं हुआ, मतलब ना राज्यसभा ने ना अभी लोकसभा, राज्यसभा ना
प्रेसिडेंट, तो अभी क्या कच्चा है, अभी पका नहीं है। नरेश कमिटी का क्या था बच्चा, रेगुलेट करना, क्या प्राइवेट कंपनी का पार्टनरशिप का, फिर रिलेटेड लॉ को रिकमेंड किया, ये टॉपिक बता रहे कि उनका जो रिकमेंडेशन था किस टॉपिक से रिलेटेड था। ईरानी, ईरानी को सुना सुना लग रहा, जे जे ईरानी, जिसने क्या किया पुराना ऐसे क्या चला था 1956 को, क्या किया 13 लेके आए तो रिविजन किया 2005 में, साथ में ही ठीक है। व्यास कमेटी भी चल रहा था जिसका क्या था, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन चेयरमैनशिप जो भी है इट्स मोर इफेक्टिव। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या, केस से डील करना, केस जो भी प्रोसीडिंग होती है उसमें इन्होंने फोकस किया। फाइनली कंपनी लॉ कमेटी बनी जिसमें नया कॉन्सेप्ट कंपनी का 2013 में लेके आया, वो नया कॉन्सेप्ट क्या था, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका एक एक्ट बन के तैयार हुआ, इसका एक अलग से कानून बन के तैयार हुआ, कानून का ईयर क्या था 2008। उन्होंने क्या किया इसके अंदर कंपनी एक्ट में उसे इंसर्ट किया। तो नाम, ईयर और उनका जो मेन काम है, जो भी लॉ उन्होंने इसको रिकमेंड किया है वो आपके हैं, ठीक। चलिए पढ़ा चुकी हूँ, क्या लिखा है, कंपनी बिल 2010, जे जे रानी का रिकमेंडेशन था 18 दिसंबर, बिल 8 अगस्त, ये सब क्या हुआ था, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, फिर फाइनली क्या बनता है हमारा कंपनी एक्ट। प्रेसिडेंट ने कब साइन किया था, 29 को साइन किया और 30th को कहाँ बताया गया, नोटिफिकेशन दिया पब्लिक को, और फाइनली 1 सितंबर से क्या बोला, सारे कंपनी को अब इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव डेट 1 सितंबर, 30th अगस्त को क्या बोलेंगे, नोटिफिकेशन, नोटिफाई किया गया, और 29 को क्या किया गया, साइन किया गया। एग्जाम में क्या डेट पूछ रखी है, अच्छे से पूछ, ठीक। तो फाइनली यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है बिल, फाइनली देखो यहाँ पे पूरा डेटा लिखा है, ठीक, जो हम अच्छे से पढ़ चुके, एक बार पूरा वन रीड करने का और डाउट होता है तो पूछने का। फाइनली अब आते हैं, एक पुराना एक था, नाम बताओ पुराना क्या था, कंपनीज एक्ट, नया क्या था, इन दोनों में कभी कभार कंपैरिजन पूछा जाता है। नए एक्ट में कितने सेक्शंस है, 470 पता है, पुराने कितने वर्क करते थे, बहुत ज्यादा, हमने तो सिलेबस में था ना, बहुत पढ़ना पड़ता था, अच्छा वर्ड आ गया। कितने चैप्टर अभी है नए एक्ट में, पहले कितना हुआ करता था, पहले चैप्टर में बोला जाता था पार्ट और 13 पार्ट बोला जाता था, टोटल अभी कितने शेड्यूल है, सिर्फ पहले कितने थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन कंपैरिजन में भी है ना आपको याद रखना है, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करूँ। नेक्स्ट क्या है, आ जाइए, अगर मैं आपसे पूछूं कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ एप्लीकेबल है, ऑल ऑफ दी इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, जेएंडके भी पहले नहीं हुआ करता था। आर्टिकल नंबर 370 मोदी जी की बदौलत है ना, बता दिया ना, तो 370 का आर्टिकल रोकता था जेएंडके को, क्योंकि हमारा अग्रीमेंट रहता था, ठीक है। जब इस टाइम पर पाकिस्तान और हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई, जम्मू कश्मीर हम कह रहे हमारा जम्मू कश्मीर, वो कह रहे थे नहीं हम तो जम्मू कश्मीर कह रहे थे मैं अपना एक अलग से देश बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहता हूँ, तो हमारी फैसिलिटी देखना चाहता हूँ। तो फैसिलिटी के चक्कर में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल नंबर 370 इसके तहत क्या हो रहा था, वो सेपरेट हो रहा था, लेकिन 370 को हटा दिया गया, उसमें चेंजेस लाए गए, चेंजेस लगे तो अमेंडमेंट लगे, इस कारण से सारे के सारे लॉ कितने एप्लीकेबल होने लगे, ये हमारा है सेक्शन नंबर 1। कोई भी एक्ट जब भी चालू होता है तो उसका सबसे पहला जो सेक्शन नंबर होता है वो बताता है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो टोटल कंपनी एक्ट में सेक्शन कितने हैं, 470, तो 470 में से सबसे पहला सेक्शन नंबर कंपनी एक्ट का क्या बोलता है, एप्लीकेबल। तो कंपनी एक्ट 2013 कहाँ एप्लीकेबल है, बोलो अभी इंडिया इंक्लूडिंग जेएंडके। चलिए तो सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, अब मैं आपको एक्चुअली में सेक्शन नंबर क्या, पूरे 470 पढ़ेंगे नहीं, यहाँ आपके सिलेबस में कुछ पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 1 इसे कैसे रीड करेंगे, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 इसको कैसे रीड करेंगे, 1 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 4 ऐसे रीड करेंगे। चलिए सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 क्या बताता है, टाइटल बताता है, उन्होंने कहा ये एक्ट का नाम क्या है, नाम
बताता है, नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड कहाँ एप्लीकेबल है, सबसेक्शन 2 बताता है कहाँ एप्लीकेबल है, होल ऑफ दी इंडिया, मतलब जेएनके भी अब इंडिया का पार्ट है, नहीं तो पहले क्या लिखा रहता था, होल ऑफ दी इंडिया एक्सक्लूडिंग जेएनके, अब ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता। फिर क्या बताता है, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट कब एप्लीकेबल हुआ था, अभी मैंने आपको बताया किस डेट से अप्लाई किया गया था, 30 अगस्त को, 1 सितंबर। अब हुआ क्या था समझना, एकदम से कोई भी लॉ को खत्म नहीं किया जा सकता, 1956 चल रहा था, 2013 आ गया था, पूरा का पूरा क्या 470 सेक्शन बन के तैयार हो गए थे क्या, पुराने सेक्शन कितने थे 658, तो 1 सितंबर से हो क्या रहा था, कुछ लॉ पुराने एप्लीकेबल थे और कुछ जो नए बन गए, पूरा बना नहीं था, 70% बन गया था, 30% धीरे धीरे बन रहा था, लेकिन 30% बनने का तैयार नहीं, वेट नहीं किया जा रहा था, उन्होंने 1 सितंबर से हमने चालू कर दिया, जो जो बन के तैयार हो गया वो अप्लाई करना चालू करो, और जैसे जैसे बनेगा हम नोटिफाई करते रहेंगे कि ये भी नया बन गया अब अप्लाई करो, अब पुराना छोड़ दो, लेकिन जब तक नया नहीं बना तब तक आपको क्या फॉलो करना है, पुराना फॉलो करते रहना। तो कमेंसमेंट की डेट कोई एक नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 की क्या कोई एक फिक्स डेट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या रीड करते, क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 1 कम इनटू फोर्स एट द वंस एंड द रिमेनिंग, फर्स्ट टाइम तो कब आया आपको डेट मालूम है, 1 सितंबर 2013, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारा है, लेकिन इतनी सारी की डेट याद रखोगे, उन्होंने बोला सेक्शन नंबर 56 इतना इतनी तारीख को, सेक्शन नंबर 30, 80, 95 इतनी इतनी तारीख को, तो क्या सारे डेट याद रखेंगे क्या, नहीं, उन्होंने बोला जो रिमेनिंग प्रोविजन है क्या लिखा है, डिफरेंट डेट थ्रू नोटिफिकेशन, बहुत सारे लॉ थ्रू जो बाद बाद में आ रहे थे धीरे धीरे आ रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट डेट, तो अगर पूछा जाए कि कमेंसमेंट कब आता तो कोई फिक्स डेट नहीं, सब अलग अलग डेट में आए, लेकिन सबसे पहले तो 1 सितंबर बोले, उसके बाद सब रिमेनिंग। तो सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 1 बताता है नेम, फिर बोलता है एक्सटेंड मतलब कहाँ कहाँ लग रहा है, कब आया, और फाइनली यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन कौन सी कंपनीज में लगता है, कौन सी कंपनी, उन्होंने कहा भैया बहुत सारी कंपनी में लगता है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे हैं, कितने पॉइंट दे रखे हैं, 6। ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी है, और एक बार बुक में देखे, आपकी बुक में ऐसे हेडिंग देखे, ठीक है, हाँ आपकी बुक में वो मिसिंग है, सेक्शन 1 लिखा है, ये सेक्शन 1 लिखा है, तो अगर मैं ये बोलूँ तो ये सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है, ठीक है, एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया, ये क्या होगा, 2 होगा, प्रोविजन ऑफ एक्ट अप्लाई, ये क्या है, 1 का 4, 1 का 3 क्या था, कमेंसमेंट, जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ये पीपीटी जो मैं आपको शेयर खुद तो करूंगी तो ये आपको दिख जाएगा। 4 बोलता है कहाँ का लगेगा, देखो पहला क्या लिखा है, कंपनीज दिस एक्ट ऑफ प्रीवियस, सुना सुना सा लग रहा है, इस एक्ट अकॉर्डिंग जो भी कंपनी है और जो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग है उन सबको क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये नया एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। क्या लिखा है, बैंकिंग कंपनी, इनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी जो एंगेज है किसका में, इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फॉलो करना पड़ेगा, एनी अदर कंपनी जो भी क्या बनी है, स्पेशल एक्ट, आपका ICSI इंस्टीट्यूट है ये भी कंपनी, ये भी क्या है कंपनी, कोई भी कंपनी स्पेशल एक्ट से बनती है उसे भी क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट 2013, एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट बाय एनी एक्ट किसने बनाई है, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट कोई भी कंपनी बनाता है, सरकार कोई भी कंपनी बनाती है, जैसे कि LIC सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। किस किस को कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है, नॉर्मल कंपनी जो पुराने से बनी है और इससे बनी है, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बोलो उसे, एनी अदर जो कैसे बनी है, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, और फाइनली एनी सच जो किसने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 6 हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट को नोटिस करो, चलो एक को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते, पहला वाला तो पढ़िया, कंपनी दिस एक्ट और प्रीवियस, ये तो समझ में आ गया, बी को बी चुकाती, इंश्योरेंस कंपनी, क्या लिखा है इंश्योरेंस कंपनी, हाँ वही मैं अभी रीड कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी क्या लिखा है, एक्सेप्ट, एक जनरल रूल होता है और एक एक्सेप्शन, एक जनरल रूल होता है और एक्सेप्शन, जनरल रूल ये है
अगर आज मुझे कोई इंश्योरेंस कंपनी बनानी है तो मुझे कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013, उन्होंने क्या बोल दिया, एक्सेप्ट, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। द सेट प्रोविजन इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब कि कुछ अलग है, कंसिस्टेंट नहीं है मतलब कि जम नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक खुद का एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938, मतलब एक तरफ कंपनीज एक्ट है और दूसरी तरफ क्या है, इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस कंपनी को जनरल रूल क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और इंश्योरेंस एक्ट भी, दोनों फॉलो करना। लेकिन अगर हमें लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी जब दोनों लॉ फॉलो कर रही है और फॉलो करते वक्त होती है परेशानी, उस परेशानी को लीगली हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो अगर परेशानी आती है तब उसे कंपनी लॉ फॉलो नहीं करना है, तब उसे क्या फॉलो करना है, इंश्योरेंस। जनरली दोनों एक्ट फॉलो करने इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन अगर कहीं भी इनकंसिस्टेंट होगा, दोनों की बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, दोनों की बातें अलग अलग हो रही है, कंपनी एक्ट बोलता है कुछ और इंश्योरेंस एक्ट बोलता है कुछ और, तो उन दोनों में अगर डिस्प्यूट होता है तो किसकी किसकी बातों को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, तब किसको देना, इंश्योरेंस एक्ट, क्योंकि वो उसका स्पेशल एक्ट है ना। सेम बैंकिंग कंपनी क्या लिखा है, एक्ट एक्ट, बैंकिंग कंपनी का अपना खुद एक एक्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जनरल रूल, अगर मुझे आज एक बैंक बनाना है तो मुझे कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी, लेकिन दोनों में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट, झगड़ा होता है कि भैया इसकी माने कि इसकी माने, दोनों अलग अलग कह रहे हैं, दोनों सेम बातें बोल रहे हैं तो दोनों फॉलो करो, दोनों अगर अलग अलग बातें बोल रहे हैं तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, उसका जो स्पेशल है, तो बैंकिंग रेगुलेशन, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट कंपनी कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी वाली, दोनों फॉलो करना है लेकिन डिस्प्यूट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इज दैट क्लियर। एनी अदर स्पेशल एक्ट क्या फॉलो करना है, कंपनी लॉ भी और उनका स्पेशल एक्ट जो भी बना होगा। इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट का एक एक्ट बना है, ये तो इंस्टीट्यूट का नाम है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 बना है। तो इस कंपनी को, ICSI को क्या फॉलो करना है, कंपनी एक्ट भी फॉलो करना है और अपना खुद का कंपनी सेक्रेटरी एक्ट भी। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी आती है, डिस्प्यूट होता है, तो क्या फॉलो करेंगे, अपना खुद का एक्ट। इस डिस्प्यूट को लीगल टर्म में मैं क्या बोलूंगी, इनकंसिस्टेंट, याद रहेगा पक्का, तो क्या ये दूसरे एक्ट का नाम याद रखना है, ठीक है, ईयर भी याद रखना। नेक्स्ट सच बॉडी कॉर्पोरेट क्या लिखा है, बाय एनी, इसके अलावा उन्होंने कहा जो भी सरकार बोलते वो सब, तो क्या ये पूरे के पूरे हम समझ में आए, तो एग्जाम में घुमा करके पूछा जाएगा कि भैया बैंकिंग रेगुलेशन कुछ अलग बोल रहा है, इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, बताइए क्या फॉलो कर रहा है, कंपनी लॉ कि बैंकिंग रेगुलेशन, क्या होगा, बैंकिंग रेगुलेशन। ये था हमारा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, टाइटल। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, एक्सटेंड। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि सबकी डेट अलग अलग है, इसलिए आपकी बुक ने बताया भी नहीं। सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, किन किन पे कंपनीज में एप्लीकेशन किस में अप्लाई होगा, नॉर्मल कंपनी में होगा, बैंकिंग में होगा, इंश्योरेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी में होगा, और कोई भी स्पेशल एक्ट बनी और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्या याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट को भाव नहीं दिया गया क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या है बच्चा, सेंट्रल लेवल का है। आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो किससे रिलेटेड पढ़ रहे हो, सेंटर भाई, आपका जो CS का जो कोर्स है वो इंडिया में बैठा हर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो क्या एंटी स्टेट यहाँ पे चलाएगी क्या, नहीं, तो आपके जितने भी लॉस की आपको पढ़ाई होगी वो सेंट्रल में, एग्जैक्ट क्लियर। MBK जो अलग से लॉ होते हैं जिसमें सेंट्रल में भी चलेगी, ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल लॉ इससे किसकी चलेगी, सेंट्रल को।